से चिन्मयी वेलकम टू माय चैनल सीआरजे ब्लॉग्स। लाइक मेरे स्पेश सब्सक्राइब करके लाइक बटन। थैंक। आज का जो ब्लॉग होने वाला है, हम जा रहे हैं बर्डी, मुझे कुछ काम है एक्चुअली बर्डी में, तो काम करने पहले जाएंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे खापरी और ये जो पूरा डिस्टेंस हम कवर करने वाले हो बाय मेट्रो का। रूपनगर स्टेशन पर पहुँच गए और यहाँ से अभी जाएंगे बर्डी और फिर बर्डी से हम मेरा जो काम है वो कंप्लीट करेंगे और फिर वहाँ से हम खापरी जाएंगे। तो अभी ऊपर चलते हैं स्टेशन पे और टिकट परचेस करते हैं, फिर चलते हैं। अभी मेरे साथ तना है, मुझे कंफ्यूजन एक्चुअली ये जो इसका जो नाम रखा है लोकमान नगर, एक्चुअली में ये जो जगह है ये सीआरपीएफ गेट है और जो लोकमान नगर यहाँ से हाफ किलोमीटर सामने में है। लोग बाहर से आते हैं वो जब बाय मेट्रो आते हैं, जब लोकमान नगर में आना रहता तो वो एक्चुअली सीआरपीएफ गेट पर उतरते हैं और फिर बाद में लोकमान नगर होता है। जो मेन जंक्शन है वहाँ पे पहुँच गए और अभी हमारा काम कंप्लीट करते हैं और फिर खापरी के। तो गाइस मैंने इसके पहले बर्डी टू खापरी का जो व्लॉग है वो कवर मैं अपने आई बटन में दे दूंगा, बट मैंने कभी एक्वा लाइन को कभी कवर नहीं किया था, जो कि मैं अभी लोकमान नगर से बर्डी तक आया वो एक्वा लाइन थी। और अभी जो आपको जो पूरा व्यू मिल रहा होगा, वाइड एंगल का लेंस यूज़ किया तो आपको पूरा बैकग्राउंड का जो भी व्यूज़ है वो पूरा मिल रहा होगा, आप देख सकते हो मेरे पीछे में पूरा बैकग्राउंड। तो अभी जो हमने जो लोकमान नगर से बर्डी तक जब आए वो वाली रश बहुत ज़्यादा था। वो रश होने का रीज़न ये है कि अभी कॉलेजेस एंड जो स्कूल से वो स्टार्ट हो गए, तो वो जो भी स्टूडेंट्स है वो ट्रैवल करते जो कि बैठे प्लेटफॉर्म पे मेट्रो का वेट करने के लिए। अभी जो हमारी मेट्रो है वो आप देख सकते हो 11 मिनट के बाद में है। सो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं और फिर हम जाएंगे खापरी और फिर खापरी का मेट्रो स्टेशन देखने के बाद रिटर्न हम अपने घर के। हम खापरी के मेट्रो स्टेशन पे पहुँच गए, पीछे में देख सकते हो खापरी मेट्रो स्टेशन है। ये सबसे अच्छा मेट्रो स्टेशन लग रहा है मुझे अब तक का, जितने भी स्टेशन थे नागपुर में जितनी मेट्रो ने स्टेशन बनाए उससे सबसे अच्छा मेट्रो स्टेशन मुझे यही लगा। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा लगा। आप मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ ये देख सकते हैं। यहाँ पे अभी चेंजेस मतलब कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं हुए, लाइक यहाँ पे जो पार्किंग की स्पेस है वो बहुत बढ़ा दी गई है। तो भी मेरे साथ है तनय व्लॉग, इसने अभी रिसेंटली व्लॉगिंग चैनल ओपन किया है, इसका आई थिंक सेकेंड वीडियो है। इसके पहले उसने कोराड़ी के मंदिर के ऊपर व्लॉग बनाया था, उसका फर्स्ट वीडियो था। तो अभी उसको थोड़ा पूछ लेती कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है। मैंने ऐसा मतलब एक चिल करने के लिए व्लॉगिंग चैनल ओपन किया था, मतलब हॉबी के लिए चालू किया था। चिल करने के लिए क्या होता है? तो मैंने ऐसा हॉबी के लिए चालू किया था, मतलब ऐसे कोई ये नहीं था मेरा कि पैसा वगैरह कमाऊंगा इससे। पैसे के लिए वगैरह सोचो तो बहुत दूर की बात होती है, ये जस्ट अपन टाइम पास के लिए, हॉबी के लिए, और बोल सकते हैं कि अपन नए प्लेसेस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इसलिए। और ऐसे नागपुर में नए नए प्लेस भी एक्सप्लोर करने के लिए मिलते हैं। और ये व्लॉगिंग से एक और एक फायदा होता है कि जो अपन कैमरे के सामने जो बात करते हैं वो भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि ये देखो ये इतने आपको दिखेंगे, ये इतने सारे लोग हैं, ये इनके सामने अगर आप कुछ भी बात करोगे तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल लगता ही है। क्योंकि अभी जैसे मेट्रो से आ रहे थे तो इतना ज़्यादा रश था कि कुछ बात ही नहीं कर सकते थे। तो एक ये एक प्लस पॉइंट मुझे ब्लॉगिंग का लगता है कि जो भी ब्लॉगर है बहुत डिफ़िकल्ट लगता है जो पब्लिक स्पीकिंग जो कर सकता है। और मैं तनय व्लॉग्स का ब्लॉगिंग चैनल है उसका जो चैनल की लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर। जो ट्रैवल कर रहा था मुझे एक चीज़ बहुत मैंने उससे बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि नागपुर के स्टेशन देखते हैं, प्लेटफॉर्म देखते हैं, क्लीनलीनेस लगी है, उनका जो मेंटेनेंस है वो सब चीज़ें देख के प्राउड फील होता है कि लाइक जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में वगैरह जो जैसे मेंटेनेंस होता है, मेट्रो यूज़ होती है, वैसे ही पूरा यहाँ पे नागपुर मेट्रो पूरा प्रोवाइड कर रही है, जो कि एक प्राउड मोमेंट है बीइंग अ नागपुरियन। यहाँ से कुछ मिनट खापरी टू बर्डी का टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए, रात के वक्त का नागपुर का व्यू कैसा दिखता है आपको पूरा वो टाइम लैप्स पे दिखेगा। तो चलो down and feeling like you're lonely, someone else out there feels just like you, go out
outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do. एंजॉय किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब. और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करूँगा तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना. तो मिलते हैं अभी कोई प्लेस पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.